हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बॉडी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में, यानी कि किडनी। किडनीज जो है वो बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है हमारे शरीर के लिए, और ये दिन रात मेहनत करते रहते हैं। करीब 200 से सवा 200 लीटर ब्लड ये प्रतिदिन जो है वो फिल्टर करते हैं, और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। अब ये बात करना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम किडनीज़ के बारे में बात करें, तो दोस्तों उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि आज के टाइम में हम जो भी खाते हैं हमें नहीं पता कि उसमें कितनी मिलावट है। हम जो दूध पीते हैं हमें नहीं पता कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हैं। आप सब्ज़ियाँ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उन पर कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं हमें नहीं पता। आप पैक्ड फूड आइटम्स की बात ले लीजिए, जूसेस की बात ले लीजिए, जो पैक्ड फूड आइटम्स और जूसेस होते हैं सब में केमिकल्स मिले होते हैं जो उसको स्टेबलाइज करते हैं। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी, जैसे पेन किलर्स, जो लोग जल्दी जल्दी दर्द की दवाई खाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। या स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी किडनी फेलियर का कारण बनते हैं। हालांकि बहुत सारी दवाइयाँ भी हो सकती हैं। तो जो पैक्ड फूड हैं या जूसेज हैं उनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए। वो सारे केमिकल्स भी जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और उन सब का सबसे बड़ा जो असर है वो लीवर पे और किडनी पे पड़ता है। लीवर तो फिर भी अपने आप को बचा लेता है, लेकिन किडनीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को बचा के रखना। तो इसलिए सोचा कि आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम अपने किडनीज़ को नेचुरली कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं और कैसे उनको नेचुरली घर पे रहते हुए बचा सकते हैं, सिंपली कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि आप हर एक सब्ज़ी को, हर एक फल को लेंस लगा के चेक करोगे कि इसमें कुछ मिलावट है या नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है आप जो डेली जिस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है। तो हमारे पास कुछ साधन ये हो सकते हैं कि ठीक है, जितना हम बच सकते हैं इन मिलावटी चीज़ों से, वो एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हम खुद से अपनी किडनीज़ को कैसे बचा सकते हैं कि हमारी किडनीज़ को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं कि नेचुरली कुछ घरेलू नुस्खों के साथ, कुछ होम रेमेडीज़ के साथ हम अपनी किडनीज़ को ख़राब होने से, फेल होने से कैसे बचा सकते हैं नेचुरली बिना किसी दवाई के इस्तेमाल के। मैं आपके साथ यहाँ पे 5 की पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आप डेली अगर अपनी रूटीन लाइफ में, अपने खाने पीने में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी किडनीज़ फेल होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है चाय। चाय हम बहुत पीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो हम दूध और मीठे वाली चाय पीते हैं उससे उतना फ़ायदा नहीं होता। अगर आप सिंपल ग्रीन टी पिए तो उसका अपना अलग फ़ायदा है। दिन में 2-3 बार आप ग्रीन टी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये डायुरेटिक के तौर पे काम करती है। डायुरेटिक का मतलब होता है कि पेशाब को लाने वाली चीज़। तो ज़्यादा यूरिन अगर आएगा तो फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा, इससे किडनी का फंक्शन बढ़ेगा। और अगर इसके साथ आप डेंडोलियन एक प्लांट होता है उसकी रूट को मिला लेते हैं इस चाय में, चाय बनाते समय उसकी रूट को डाल दें काट के थोड़ा सा अदरक की तरह, क्योंकि डेंडोलियन जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, किडनी फंक्शंस को ठीक करते हैं। आप डेंडोलियन को सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी विभिन्न पत्तियाँ हैं जो उसके पेटल्स हैं वो सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और आप अपने किडनीज़ को, उसके फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कैनबेरीज़ भी हमारी किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप कैनबेरीज़ का जूस इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स को जमा होने से रोकते हैं, और कैल्शियम ऑक्सीलेट की जो स्टोन्स होती हैं उनको बनने से रोकते हैं। ये बड़ी पेनफुल स्टोन होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की, तो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है और स्टोन को बनने से रोकता है। दूसरा बहुत कॉमन चुकंदर जिसको हम कहते हैं, या बीट रूट की बात करें तो बीट रूट के अंदर एक बीटेन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, और ये भी बहुत फ़ायदा करता है हमारी किडनीज़ के लिए। ये कैल्शियम फॉस्फेटेज को निकालता है। तो दोनों ही चीज़ें दोस्तों, बहुत जो कॉमन स्टोन्स होती हैं वो या तो कैल्शियम फॉस्फेटेज की होती हैं या कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती हैं या यूरिक एसिड की स्टोन्स होती हैं। तो ये कैल्शियम फॉस्फेटेज की स्टोन्स हैं उनको बनने से रोकता है, और अगर स्टोन्स होते भी हैं तो उनको डिजोल्व करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं किडनीज़ को बचाने के लिए और किडनी स्टोन्स को बनने से रोकने के लिए। जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो कुकुरबिटेसी फ्रूट्स हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरह के जो फल हैं, ये किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। कुकुरबिटेसी फ्रूट्स जितने हैं ये किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, डायुरेटिक के तौर पे काम करते हैं और फिल्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। इनके अंदर अमीनो एसिड्स, कुकुरबिटासिन और कुछ अमीनो ग्लूकोसाइड जो हैं
वो यूरिक एसिड को कम करते हैं और डायरेटिक के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों कोकोनट वाटर आता है, कोकोनट वाटर के अंदर पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और अगर कोकोनट वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो किडनी के फंक्शंस को आप काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं और जो वेस्ट है उनको निकालने में ये मदद करता है और साथ में ये सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है किडनीज की। नेक्स्ट दोस्तों आता है खजूर, डेट्स। डेट्स के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है और ये फाइबर भी होता है। अगर आप रोज़ाना 3 से 4 खजूर रात को उनका बीज निकाल के पानी में भिगो के रख दें और सुबह रोज़ाना उसको इस्तेमाल करें तो ये आपके किडनी के लिए बहुत अच्छी दवाई है, आप ब्रेकफास्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बेसिल प्लांट यानी कि तुलसी। तुलसी के अंदर भी जो इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है और ये एक पेन किलर के तौर पर भी काम करता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तुलसी का अच्छा इस्तेमाल देखा गया है और तुलसी एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो हज़ारों सालों से हिंदुस्तान में आयुर्वेदा और यूनानीपैथी में यूज़ होता रहा है। तो ये आपकी किडनीज़ को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फल जैसे तरबूज, वाटरमेलन वगैरह या खरबूजा या मस्क मेलन, इनको अगर आप खाते हैं तो इनके अंदर भी एक तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और इनके अंदर कुछ अमीनोग्लिसराइड्स होते हैं, ये डायरेटिक के तौर पे काम करते हैं। और जो इनके बीज होते हैं, अगर इनके बीज जो मग्स अगर उसको इस्तेमाल करें तो ये किडनी के ओवरऑल फंक्शंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इनके अंदर लाइकोपेन और पोटेशियम की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है, तो ना सिर्फ किडनी बल्कि ये हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, किडनी और हार्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा दोस्तों जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन जूस खास तौर से, अगर आप लेमन जूस का इस्तेमाल बढ़ाते हैं क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड जो है वो यूरिक एसिड को डिसॉल्व करता है, उसको बनने नहीं देता, जमने नहीं देता। तो जो यूरिक एसिड स्टोन्स हैं वो सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करने से या विटामिन सी का इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड स्टोन्स के बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप अपनी डाइट में, अपने भोजन में रोज़ाना आप जूसेस खास तौर से लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं तो ये किडनीज के अंदर स्टोन को बनने से रोकता है और किडनी का फंक्शन मेंटेन भी करके रखता है। और लास्ट दोस्तों हम बात करेंगे किडनी बीन्स के बारे में। किडनी बीन्स जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इनकी जो शेप है बड़ी रिजेंबल होती है किडनी की शेप से और ये बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं किडनी के लिए। इनके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक तो डायरेटिक के तौर पर काम करते हैं और दूसरे जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में किडनी से काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो बीन्स का इस्तेमाल, किडनी बीन्स का इस्तेमाल भी आपके किडनीज़ को ख़राब होने से बचा सकता है। इवन आप एडल्ट्रेटेड फूड, वो दुनिया भर की चीज़ें अगर खा रहे हैं उसके साथ साथ भी, हालांकि आपको उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही कहूँगा कि एक तो हेल्दी फूड खाएँ, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी आप ज़रूर पिएँ तो आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट अच्छा रहेगा और किडनीज़ को आप ख़राब होने से बचा सकते हैं। उसके अलावा आप लो साल्ट डाइट खाएं, नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। नमक बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए लेकिन कम मात्रा में, अगर ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और किडनी के लिए भी नुकसानदेह है। साथ ही साथ लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है किडनीज़ और अदर फंक्शंस को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी भरा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।